हाँ जी दोस्तों तो मेरे पास काफ़ी सवाल ऐसे आते हैं जैसे कि सर हम क्या एक पिक्सल सिक्स ए में फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्ट करें या मैं इन्वेस्ट करूँ थोड़ा सा और पैसा लगा के एक प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा में या एक मिररलेस कैमरा में डिपेंडिंग ऑन योर बजट तो मेरा जवाब हमेशा सम्भाव रहता है कि आप जो है एक पिक्सल में सिक्स ए में फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्ट करें क्यों क्यों एक पिक्सल सिक्स ए कही न कहीं ना कहीं बेहतर है एक मिररलेस कैमरा से एक प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा से इन सर्टेन कंडीशंस माइंड यू मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमेशा अपने फ़ोन को ही यूज़ करिए अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफ़र हैं फॉर एग्जांपल या फोटोग्राफी से आप पैसा कमाते हैं एंड आपका घर चलता है योर ब्रेड एंड बटर इज़ थ्रू फोटोग्राफी देन ऑफ बाई ऑल मीन्स यूज द एक्सपेंसिव कैमराज दैट यू हैव या वॉट कैमरा यू कैन एक्चुअली अफोर्ड बट इन ऑल अदर केसेस मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक पिक्सल डिवाइस फॉर एग्जाम्पल इज बेटर दैन अ कैमरा क्यों कुछ रीजनस हैं जो मैं आपको आज बताना चाहूँगा सबसे पहला रीज़न है कि एक मोबाइल फ़ोन जो है ना, वो इतना ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है वॉट इट मीन्स इसेंशियली इज़ फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं मॉल में हूँ या कहीं ऐसी जगह में हूँ जहाँ पे हो सकता है ऐसा एक बड़ा कैमरा देख के वहाँ के मैनेजमेंट या वहाँ के गार्ड्स जो है ना कभी कभी आ जाते हैं एंड वो मना करते हैं कि आप कैमराज यूज़ नहीं कर सकते हो जेनरली स्पीकिंग आई एम नॉट इवन श्योर कि वो क्यों मना करते हैं जबकि आजकल के फ़ोन्स आर इक्वली इफ नॉट बेटर

अपने जो है जो भी फोटोज़ आप चाहते हैं वो आप एक फ़ोन से क्रिएट कर सकते हैं ईजिली मैं तो हमेशा आजकल यही करता हूँ विदाउट कैरिंग एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट अदर दैन द गूगल पिक्सल सिक्स है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है आजकल एक फूजी फिल्म कैमरा भी है मेरे पास कैनन का कैमरा भी है और भी दो चार कैमराज है जो मैं प्रोफेशनली गाड़ियाँ वगैरह शूट करने के लिए या कभी कभी ट्रैवल फोटोग्राफी करने के लिए यूज़ करता हूँ बट वो सब अगर नहीं है अगर कोई कैंपेन नहीं है प्रोफेशनल रीज़न्स नहीं है मेरे पास एक कैमरा कैरी करने का तो मैं हमेशा ऑफकोर्स गूगल पिक्सल सिक्स ए से ही शूट करता हूं आपको तो पता ही होगा इवन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम या ट्विटर पे आपको यहीं पे दिख जाता है कि मैं हमेशा जो है पिक्सल सिक्स ए से ही शूट करता हूं सेकंड रीजन सेकंड रीजन मेरे पास ये है कि एक कैमरा फॉर एग्जाम्पल पिक्सल सिक्स ए में देर आर देर आर मल्टीपल लेंसेज यू नो वाइड एंगल लेंस है एक नॉर्मल लेंस है अब यही चीज एक नॉर्मल एक प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा में फॉर एग्जाम्पल इन दिस कैमरा राइट नाउ देर इज़ अ प्राइम लेंस यू नो एक 50 एम mm या 35 फ़ाइव mm लेंस लगा हुआ है विच मीन्स देखो इसमें 35 फाइव mm लेंस लगा हुआ है विच मीन्स अगर मुझे 35 फाइव mm से ज़्यादा जूम चाहिए तो मुझे या तो लेंस चेंज करना होगा या मुझे एक जूम लेंस के साथ ऑलरेडी जाना होगा विच इज़ इवन बिगर इन साइज़ जिससे कि कहीं कही ना कहीं किसी न किसी को प्रॉब्लम हो सकती है मैंने ये खुद महसूस किया है दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैं तो यार हमेशा यही प्रेफर करता हूँ कि इसमें ऑलरेडी वाइड लेंस है इसमें ऑलरेडी नॉर्मल लेंस है तो आराम से जो है इसको यूज़ करूँ और अगर आप कोई दूसरा फ़ोन यूज़ करते हैं जिसमें टेलीफोटो लेंस है तो तो क्या ही बात है देन ऑल योर मेजर इश्यूज़ आर सॉल्व तो ये दूसरा है। छोड़े -छोड़े रीजन है छोटे छोटे रीज़न ज़रूर है दोस्तों बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न्स वाई यू शुड राधा बाई अ गूगल पिक्सल सिक्स ए दैन गो फॉर अ प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा इन सर्टन केसेज़ तीसरा रीजन ये है मेरे पास कि दिस ऑल्सो वर्कस एज अ फोन यू नो अगर आपको टेक्स्ट करना है आपको फोटोज वीडियो लेनी है वो तो है ही किसी को कॉल करना है ऑफ़ कोर्स बिकॉज इट्स अ मोबाइल फ़ोन या कोई नोट्स लेने हैं या कुछ भी आपको मेल चेक करना है सोशल मीडिया पे कुछ करना है वीडियोज देखनी है कुछ भी करना है यू हैव गॉट योर फोन एज वेल विथ यू वेर एज समथिंग लाइक दिस मीन्स हैव ओनली गॉट अ कैमरा विथ यू ये इससे आपका कोई और काम नहीं होने वाला है एक्सेप्ट क्रिएटिंग पिक्चर्स तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है मुझे लगता है कि यू शुड बाई अ फोन राइट नाउ अ कैमरा अगर आपका सेम काइंड ऑफ अ बजट है ठीक है चौथा रीजन मेरे पास ये है आप लोगों के लिए कि एक जो फोन होता है उसमें आपको कोई भी सेटिंग इतना घुस के करने की जरूरत नहीं है ठीक है फॉर एग्जाम्पल दिस कैमरा और द अदर कैमरा विच आई शोड यू दिस वन इनमें जो है काफी कुछ सेटिंग्स आपको करना पड़ता है तो वो सेटिंग्स अगर आपको नहीं पता है मतलब टेक्निकली आपको अगर घुसना नहीं आता है अपनी तस्वीरों में तो बहुत ही खराब तस्वीरें आप खींचने वाले हो क्वालिटी वाइज तो इसमें फॉर एग्जांपल आपको कोई वो सब करने की ताम झाम जरूरत नहीं है यू जस्ट हैव टू पॉइंट एंड शूट रेस्ट एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाई द फोन थ्रू कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी कंप्यूटेशन फोटोग्राफी के थ्रू सब कुछ आपका फोन आजकल कर लेता है कितना हाईलाइट रखना है कितना शेडोज रखना है क्या डायनामिक रेंज रखना है सब कुछ एक मोबाइल फोन कैमरा कर लेता है तो उस हिसाब से मुझे लगता है अ फोन इज वे बेटर देन अ कैमरा इन सर्टन सिचुएशंस अगली चीज़ आती है इमेज क्वालिटी उस चीज़ में आके मुझे लगता है एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है बिटवीन दिस एंड दिस बट देन अगेन अगर आप सोशल मीडिया के लिए शेयर करना चाहते हो फोटोज़ तो जनरली जो है मुझे स्पेसिफिकली लगता है कोई इशू नहीं है इवन दो दिस फॉर एग्जाम्पल दिस पिक्सल सिक्स ए इज़ जस्ट ट्वेल्व मेगा पिक्सल बट मुझे आज तक ट्रस्ट मी इमेज क्वालिटी में कोई इशू नहीं हुआ है स्पेशली इफ आई एम शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया छोटे मोटे प्रिंट्स भी अगर निकालना चाहते हो आप तो इसका भी यूज कर सकते हो ऑफकोर्स तो उसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं है अगला रीजन मेरे पास है इंस्टेंटली आप जो है क्लिक करके शेयर कर सकते हो हाँ आजकल के कैमराज में जो है वाईफाई वगैरह आ गया है तो वाईफाई के थ्रू आप फोन में इमेज को शेयर करके आप ऑफकोर्स आगे शेयर कर सकते हैं बट देन अगेन दैट्स वन एक्स्ट्रा स्टेप ठीक है आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू आपके फोन में फोटोज को लेना पड़ेगा फिर आपको एडिट करना आना चाहिए बिकॉज मोस्टली जो है होता क्या है फ़ोन कैमरा के जो फोटोज़ होते हैं दोज़ आर ऑलरेडी एडिटेड बाय द कैमरा ठीक है कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करके वो सेव करते हैं जे को इनमें क्या होता है अगर आप रॉ या जे शूट करते हो उसके बाद भी एक लेवल की एडिटिंग का नॉलेज आपके पास होना चाहिए टू मेक दोज इमेजेस लुक इवन बेटर तो वो एक चीज़ है मुझे लगता है कि कही कहीं ना कहीं इश्यूज करती हैं बिकॉज हम में से कई लोग ऐसे हैं जो एडिट करना फोटोज को पसंद नहीं करते हैं विच इज़ एब्सोलुटली फाइन उन जैसे लोगों के लिए आई फील अ स्मार्टफोन इज वे बेटर अगला रीज़न मेरे पास है कि एक स्मार्टफ़ोन जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है टू लर्न फोटोग्राफी यू you नो know, हम टेक्निकली इतना घुस जाते हैं अपने कैमरास को लेके कि हम फोटोग्राफी को सीखना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या कहीं ना कहीं सेकेंडरी कर देते हैं तो एक मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास है तो आप जो है ना टेक्निकल नॉलेज को छोड़ के आप, आप आर्टिस्टिकली ज़्यादा सीखते हो कैसे कंपोज करना है कैसे फ्रेमिंग करनी है क्या कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स रखने हैं कौन सा फ्रेम मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए या किस तरह की मुझे लेयरिंग करनी है अपनी फोटोज़ में वो सब चीज़ें जो है आप एक मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए सीख सकते हो क्यों क्योंकि आपको इसमें जो है ना अपने एपचर शटर स्पीड आई एस वाइट बैलेंस ये सब को इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है स्पेशली ऑन द गूगल पिक्सल सिक्स है जहाँ मैनुअल मोड है ही नहीं जहाँ प्रो मोड है ही नहीं उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है जस्ट आपको कैमरा स्टार्ट करना है एंड यू जस्ट हैव टू पॉइंट एंड शूट एंड बाकी सब चीज़ें जो है आपका कैमरा कर लेता है सो so, आप जो है ध्यान दे सकते हो आर्टिस्टिकली अपने फोटोज को इंप्रूव करने के लिए ये कुछ चीजें हैं ये कुछ टॉप पॉइंट्स थे मेरे पास जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करूं कि अगर 2023 में आपका बजट है इतना कि आप एक कैमरा पे या एक फ़ोन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप फोटोग्राफी से पैसा नहीं कमा रहे हो यू नो इफ़ योर अल्टीमेट गोल इज़ नॉट टू अर्न थ्रू फोटोग्राफी फैशनली अगर आपको फोटोग्राफी नहीं करनी है आगे जाके तो कहीं ना कहीं जो है आपको फ़ोन काम आने वाला है रादर दैन अ कैमरा उसके बाद जब आप सीख जाओगे मेन यू फील दैट यू नो यू हैव लर्न एनफ और आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है फोटोग्राफी में देन धीरे धीरे जो है आप एक सस्ता सा कैमरा खरीदिए एंड देन यू सी इट गोल्स फ्रॉम देयर रादर दैन इन्वेस्ट कैमरा विच विल मच मोर हेल्पफुलेडिकेटेड कैमरा इन सर्टन केसेस आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा अगर आप कैमरा यूज करते हो मोबाइल फोन को यूज करते हो क्या करते हो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर नीचे शेयर करो मुझे जानना है ठीक है इसी के साथ लेता हूँ इस वीडियो से इजाज़त अगर कुछ सीखा है आपने तो ज़रूर एक अप छोड़ दीजिएगा नए हो इस चैनल में ऐसा कंटेंट आपको पसंद आता है सीखने में कुछ ना कुछ नया मिला है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड कम बैक सून बिकॉज आई एव गॉट अ लॉट मोर कंटेंट वेटिंग फॉर यू गाइस चाहूँगा इजाज़त मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द नमस्कार